दोस्तों नमस्कार। आज एक अलग ही टाइप का वीडियो बनाते हैं, अवतार की आवश्यकता, अवतार का जन्म, अवतार का प्रकट होना और ईश्वर का विशेष अद्भुत इंतजाम। देखो आप, इस संसार में, कह रहा हूं मैं, इस संसार में एक भी जगह जहां पे दो व्यक्ति होंगे ना, मैं इंसानों की बात कह रहा हूं, उन दोनों में से एक कोई होगा जो चिंता करने वाला, वो दो है, दो में से एक कोई समझदार होगा, राइट। ये अद्भुत फिनोमिना है ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि का। एक घर होगा, वहां पे भी एक होगा जो अच्छा होगा, जो उस घर को चलाने वाला होगा। फिर एक कबीला होगा, वहां पे भी एक सरदार होगा जो उसको चलाने वाला होगा। अच्छी बात के लिए कह रहा हूं मैं। ऐसे करके गांव होगा, फिर जिला होगा, ऐसे करके हर जगह पे कोई ना कोई एक व्यक्ति, उसका हेड कोई होगा जो जो नियम कानून अनुशासन संस्कारों को चलाता है, जिसको ये जिम्मेदारी दी जाती है ऊपर वाले की तरफ से। हमारे ये सब ऊपर वाले की तरफ से है चीजें, हम तो ये नियम कानून जो बनाते हैं उस वो तो सिर्फ ऊपर वालों की विधि का विधान का हिस्सा ही होता है। ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहां पे कोई एक व्यक्ति न्याय और धर्म की रक्षा की बात ना करता हो। कोई भी ऐसा संगठन नहीं है जहां पे बातें ना हो रही हो। यानी कि इस चीज की आवश्यकता है और वो ये अनवरत प्रक्रिया है, अनवरत। एक दो आदमियों के, दो आदमी है उसमें से एक करेगा धर्म की बात, कैसे चलेगा सब चीजें। न्याय और धर्म उत्पन्न होते पैदाइशी है, अनवरत है। अन्याय और अधर्म ये उपजते हैं, इनको दबाया जाता है, इनको खत्म किया जाता है। तो जिस प्रकार से दो आदमियों से लेके पूरे वर्ल्ड में चिंता करने के लिए न्याय और धर्म की, ईश्वर ने ऐसी अद्भुत सिस्टम व्यवस्था की है कि ऑटोमेटिकली सब विराजमान है। आप कहीं भी देख लो अपने आसपास, हर जगह, हर कबीले में, हर गांव में, हर संगठन में, कोई किसी भी कमेटी हो, यूनियन हो, कोई भी हो, ऐसे पदाधिकारी बैठे हुए हैं जो अनुशासन, न्याय और संस्कार की रक्षा करते हैं। ये प्रक्रिया अनवरत ईश्वर ने तो बनाई है प्रकृति की। तो आप, महत्वपूर्ण बात यह है कि ईश्वर को खुद चिंता है, ये अनवरत प्रक्रिया है। हमारे यहाँ जो हमारे यहाँ क्या, पूरे वर्ल्ड में जितने भी संप्रदाय हैं, धर्म हैं, जो भी चीजें हैं, वहां पर कोई ना कोई आता ही है अवतार के रूप में, ये हम सबको पता ही है। तो कलयुग तो ऐसा युग है जो इतने हम अधर्म के शिकार हैं कि आईसीयू में भर्ती होने वाली स्थिति है। तो जब कलयुग ऐसा हो कि आईसीयू में भर्ती होने की स्थिति है, तो निश्चित रूप से है कि इसमें तो आना ही आना है। और सबसे ज्यादा हर चीज में सबसे ज्यादा कलाओं वाला ही होगा, क्योंकि उसको आईसीयू जैसे स्थिति में कलयुग है वहां से उसको ठीक करना है। जैसे आईसीयू वाला डॉक्टर सबसे विशेषज्ञ होता है, ऐसे ही सबसे ज्यादा विशेषज्ञ होगा। तो मेरा मतलब कहने का यह है कि देखो, यह आवश्यकता है, अनवरत प्रक्रिया है। और क्योंकि पहले आए हैं तो निश्चित रूप से कोई ये नहीं कह सकता कि अवतार नहीं आते। हर धर्म में आए, हर संप्रदाय में आए, हर दुनिया में, हर देश में आए, आए और आते चले गए धर्म और न्याय के लिए, कल्याण के लिए। तो ये तो निश्चित है कि आते हैं, आवश्यकता है और आएंगे। इसलिए कोई ये कहे कि अवतार नहीं आते, अवतार की प्रक्रिया ना, जैसे पूरा संसार भी अगर ईश्वर है तो कण में भी ईश्वर है। एक दो लोगों में खड़े होकर भी धर्म की रक्षा की बात होती है, चार में भी, परिवार में भी, गांव में भी, कबीले में भी, शहर में भी, जिले में भी, तहसील में भी, कमिश्नरी में भी, स्टेट में भी, देश में भी, वर्ल्ड में भी। तो इन चीजों की चिंता, जो हम चिंता करते हैं ना धर्म की रक्षा की, हम नहीं करते, चिंता वो करता है, वहां से ट्रांसफर होती है हमारे पास चिंता कि तुम्हें ये करना है, ये आदेश है, उसके बिना रह नहीं सकते। सबसे ज्यादा व्यवस्था आज भी धर्म की रक्षा की है। आप ये देखिए, एक देश, इतने विभाग होते हैं, इतनी शक्तियां होती हैं, उन शक्तियों का बंटवारा होता है अलग अलग विभाग, ये आबकारी, पुलिस, ये बिजली, ये स्वास्थ्य विभाग, ऐसे करके। तो इतनी व्यवस्था एक देश का तंत्र चलाने में, पुलिस है, मिलिट्री है, दुनिया भर के विभाग है। देख, ये सब मैनुफैक्चरिंग, ये सब किसने बनाए, ये संविधान के अनुसार है। तो एक देश भी हम नहीं चला सकते बिना इतने, ये जो पूरा कैनवास है चलाने का, सबके दुख दर्द सुनने के लिए विभाग बने हुए, पीड़ा सुनने के लिए विभाग बने हुए, इतने लोग बने हुए सुनने के लिए, जन जन, जनता की सेवा के लिए तो है।
जब एक इंसान इतना बड़ा नेटवर्क रच सकता है शासन अनुशासन संविधान और न्याय और धर्म के लिए, तो वो तो ईश्वर है। यानी कितने देवी देवताएं इसी बात के लिए। चलिए दोस्तों, कैसा लगा बताइएगा मेरा वीडियो जो है।